हेलो फ्रेंड्स, डेनियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देख रहे थे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मॉडल्स और इंपरेटिव सेंटेंसेस, जैसे ऑर्डर होते हैं, रिक्वेस्ट होती है, कमांड, इनके किस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनते हैं। आजकल जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, लगभग यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, यहाँ से आते हैं। अगर आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस उठाओगे तो देखना, वहाँ पे आपको यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सब आज हम देखने वाले हैं और अच्छे से सब कुछ कवर करके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। करना क्या है, कुछ ध्यान नहीं रखना, बस इतना सा ध्यान रख लेना, जहाँ पे आपको डू और डज दिख जाए, वहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पता है, पैसिव वॉइस में आएगी आएगी, तो इज एम आर और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जहाँ डिड है, आपके एक्टिव वॉइस में डिड आ रहा है, वहाँ पे पैसिव वॉइस में हम वॉज और वर करके चलेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जहाँ आपको हैज, हैव और हैड दिख जाए, तो पैसिव वॉइस में आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन करना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। उसके बाद में मॉडल्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि मॉडल्स के बारे में हम किस तरह से करके चलेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे विल, शुड, कुड, माइट, मे, इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको पता है, पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा ही होगा। तो हम इसको किस तरह से करते हैं, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल्स के बाद में बी का यूज करते हैं और बी के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस तरह से ये मैनेज हो जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस में आपके मॉडल्स आ गया, जैसे मस्ट आ गया, तो मस्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। पैसिव वॉइस में मस्ट के बाद में बी लग जाएगा और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस तरह से इन सबको हम लेकर चलेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाकर देखेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी मैं आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स के बारे में बता दूँ, जैसे वाई, वुड और हाउ वाले सेंटेंस भी इसमें ले लेते हैं। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले जब मैं आपको सेंटेंस करवाऊंगा, तब आपके ये भी समझ में आ जाएंगे। इन सब के मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको, किस तरह से हम इनको करके चलेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है, डज ही राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर, डू या डज से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो आपको पता लग गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज ही राइट ए लेटर, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आना है, ए लेटर सबसे पहले लेके आ जाना। अब ए लेटर के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर लगाना है। ए लेटर के साथ क्या लगाओगे, इज लगेगा, आई के साथ एम लगाते हैं तो ए लेटर के साथ इज लग जाएगा। तो इज को सबसे पहले लेकर आ जाओ, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इज एम आर सबसे पहले आएंगे। तो इज ए लेटर, यहाँ से हम सेंटेंस शुरू कर देंगे। इज ए लेटर रिटन बाई हिम, इज ए लेटर रिटन बाई हिम, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही लगाना है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी एरर्स में आता है। तो इज ए लेटर रिटन बाई हिम, आपको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट डिसाइड करना है और जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाओगे उसके अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज करना है। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट सेंटेंस हो गया, तो हम क्रिकेट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे। तो आपको पता है क्रिकेट यहाँ पे सिंगुलर है, तो इज लगा देंगे। तो इज क्रिकेट प्लेड बाई यू, इज क्रिकेट प्लेड बाई यू, सेंटेंस खुद बनाकर देखोगे, जितने ज़्यादा बनाओगे उतनी अच्छी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कहीं नहीं अटकोगे आप। और सेंटेंस बना के देखते हैं, जैसे डिड ही बाई ए बुक, डिड आ गया तो आपको पता है या तो वॉज लगाएंगे पैसिव वॉइस में या वर्ड लगाएंगे। तो डिड ही बाई ए बुक, ए बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लेकर आएंगे। ए बुक के साथ वॉज लगेगा या वर्ड लगेगा, आपको पता है सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा। तो वॉज ए बुक, वॉज ए बुक, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज ए बुक बोट बाई हिम, वॉज ए बुक बोट बाई हिम, इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस बनेगा। और बनाकर देखते हैं, हैज ही रिटन ए बुक, हैज ही रिटन ए बुक,
हैज ही रिटन ए बुक सेंटेंस हो गया, पैसिव वॉइस बनाना है तो ए बुक के अनुसार आपको हैज या हैव लगाना है। तो ए बुक यहाँ पे सिंगुलर है तो मैं हैज लगाऊंगा। हैज ए बुक बीन आएगा, हैज बीन होता है पैसिव वॉइस में, तो हैज ए बुक बीन रिटन बाई हिम, इस तरह से बनेगा। हैज हैव का ध्यान रखना है सिंगुलर के साथ, हम जैसे ही हैज शी हैज, इस तरह से यू हैव वी हैव दे हैव, इनका याद रखना है आपको। जैसे एक्टिव पैसिव में ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं आपके। और सेंटेंस बना के देखते हैं दोस्तों, जैसे हैड शी रिटन ए लेटर, तो आपको पता है हैड तो पैसिव में भी हैड ही रहने वाला है, तो हैड ए लेटर बीन रिटन बाई हर, हैड ए लेटर बीन रिटन बाई हर, इस तरह से पैसिव इसका बन जाएगा। अब दोस्तों थोड़े मॉडल्स के पैसिव कैसे बनेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे आई मस्ट हेल्प द पुअर, आई मस्ट हेल्प द पुअर, मस्ट हेल्प मतलब मस्ट यहाँ पे मॉडल है और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो द पुअर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा, तो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी, मस्ट बी और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। मस्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, मस्ट के बाद में बी लगाना है और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आई मस्ट हेल्प द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी, इस तरह से हम सेंटेंस बनाकर चलेंगे। थोड़ी सी दोस्तों तबीयत खराब हो रही है इसलिए वीडियो में जल्दी नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और सेंटेंस इसमें हम बनाकर देखते हैं दोस्तों, जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हिम, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हिम, इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। और बनाकर देखते हैं दोस्तों, जैसे नोबडी कुड किल द क्रिमिनल, नोबडी कुड किल द क्रिमिनल, तो द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड बाई नोबडी। तो क्या दोस्तों यहाँ पर हम बाई नोबडी का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? पिछली क्लास में बता दिया समबडी नोबडी इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होगा, तो ध्यान रखना बाई नोबडी का प्रयोग नहीं होगा, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब थोड़े से मैं आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले सेंटेंस बता देता हूँ, काफ़ी आसान है, इसमें कन्फ्यूज़ होने जैसा कुछ नहीं है, इसको सीरियस नहीं लेना है, आसानी से इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो। जैसे दोस्तों सेंटेंस होगा वाई डज शी टीच द चिल्ड्रेन, वाई डज शी टीच द चिल्ड्रेन, एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव में इतना ध्यान रखना है जो वाई है डब्ल्यू एच वाई, ये तो पैसिव वॉइस में भी सेम ऐसे का ऐसे रहेगा। डज डू डज लग रहा है, अब आपको डू डज के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करना है, इज एम आर जो भी आएगा वो हम लगाकर चलेंगे। तो आपको देखना है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लेकर आ जाएंगे द चिल्ड्रन। अब द चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर लगाना है, आपको पता है द चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहाँ पर आर आ जाएगा, तो वाई आर द चिल्ड्रन टोट बाई हर, वाई आर द चिल्ड्रन टीच का यहाँ पे टोट हो जाएगा थर्ड फॉर्म, वाई आर द चिल्ड्रन टोट बाई हर, इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा। और बनाकर देखते हैं दोस्तों, जैसे हाउ डिड ही सोल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ डिड ही सोल्व दिस प्रॉब्लम, तो डिड है आपको पता है पैसिव वॉइस में वॉज आना है या वर आना है, हाउ ऐसे का ऐसे रहेगा, हाउ वॉज दिस प्रॉब्लम सोल्व बाई हिम, हाउ वॉज दिस प्रॉब्लम सोल्व बाई हिम। आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा सेंटेंस खुद से बनाओगे ना उतने आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, तो कोशिश करना आप खुद भी काफ़ी सेंटेंस यहाँ पर बनाकर चलो। और सेंटेंस देखते हैं, जैसे वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तो वेयर तो ऐसे कैसे पैसिव वॉइस में आ जाएगा, क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा, और क्रिकेट के अनुसार हमको इज एम आर लगाना है, तो आपको पता है क्रिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आएगा, वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाई यू, वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाई यू, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। ध्यान ये रखना है कि एंड में हमको क्वेश्चन मार्क भी लगाकर चलना है, ये भी एरर हो जाता है। वेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, वेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल कब खेल रहे थे, वेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो ये कंटिन्यूस में चल रहा है तो आपको पता है पैसिव में भी हमको कंटिन्यूस में ही दिखाना है इसको, तो वेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल, तो वेन वैसे का वैसे रह जाएगा, यहाँ पे फुटबॉल के अकॉर्डिंग हम वॉज या वर लगाएंगे, तो सिंगुलर है फुटबॉल तो यहाँ पे वॉज लग जाएगा, तो वेन वॉज
फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, व्हेन वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अब दोस्तों हम थोड़े से इंपरेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे ऑर्डर होता है, सजेशन होता है, कमांड होता है, इस तरह के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं और हमको क्या क्या ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में सीधे सीधे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको इनका भी ध्यान रखना है। ये हम देख कर चलते हैं किस तरह से हमको बनाने हैं, किस तरह से एग्जाम में करने हैं। जैसे आपके पास छोटा सा सेंटेंस आएगा, शट द विंडो, शट द विंडो, आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके साथ लेट लगा कर चलना है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम शुरुआत करेंगे लेट से, तो लेट द विंडो, ऑब्जेक्ट है विंडो तो सब्जेक्ट हो जाएगा, लेट द विंडो बी शट, बी और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका। और सेंटेंस बनाओगे आप सीख जाओगे, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोट, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको यूज करनी है, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रोट, इस तरह से हम सेंटेंस बनाकर चलेंगे। इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लेट से हम सेंटेंस शुरू कर देंगे, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। स्विच ऑफ द लाइट, तो लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, खुद से प्रैक्टिस करके चलोगे, खुद सेंटेंस बनाओगे, बहुत अच्छे परफेक्ट हो जाओगे, एग्जाम में कहीं गलती नहीं करोगे। लेट वाले सेंटेंस एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं, तो इनका भी आपको ध्यान रखकर चलना है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिसमें हम यू आर ऑर्डर्ड का यूज करके चलते हैं, यू आर ऑर्डर्ड इसका यूज करके चलते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस आ गया, गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, तो हमको पता है कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि ऑफिस से बाहर निकल जाओ। तो जब हम दोस्तों इनका पैसिव बनाएंगे तो हम बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, यू आर ऑर्डर्ड का हमको यूज करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, इस तरह से हम ऑर्डर वाले सेंटेंस बनाकर चलेंगे। और दोस्तों ऐसे ही हम बात करें रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे, जैसे हम बोलते हैं किसी को प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, तो हमको पता है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ध्यान रखना है टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कुछ अपवाद होते हैं जहाँ पे हम आईएनजी वाली फॉर्म भी लगा देते हैं, वो हम बाद में देखकर चलेंगे, अभी इतना ध्यान रखना है कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और सेंटेंस देखते हैं, जैसे प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको तीन चार क्लासेस में सब कुछ अच्छे से बताया है, आपने उन चीज़ों को कितना ध्यान रखा है, कितना अच्छे से किया है, वो इन दो तीन सेंटेंसेज में पता लग जाएगा। जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ आपको उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, दो तीन सेंटेंस आपको पूछने वाला हूँ कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना। जैसे पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस, क्या सही है कहीं, तो ये गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है द थीफ वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस का यूज नहीं करेंगे, पिछली क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा सेंटेंस है समवन हैज स्टोलन माई बुक, समवन हैज स्टोलन माई बुक, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा माई बुक has been stolen by someone, तो यहाँ पर भी by someone का यूज नहीं होगा, my book has been stolen, इतना ही सेंटेंस बनेगा। अगर आप इनमें गलतियाँ कर रहे हो तो पिछले जो मैंने आपको क्लासेस दी हैं वो जाकर देखें, अच्छे से उनको तैयार करें, उसके बाद में आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। लास्ट सेंटेंस है people speak English all over the world, people speak English All over the world, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा English is spoken all over the world by people,
इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई पीपल। यहाँ पर भी बाई पीपल का यूज़ हम नहीं करने वाले। मैंने आपको बताया था पीपल जब हम पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे तो बाई पीपल का यूज़ नहीं करेंगे। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, समबडी, नोबडी, पुलिस, पीपल, इनका यूज़ पैसिव वॉइस में नहीं होता। पिछली क्लास नहीं देखी तो अच्छे से देखना, पैसिव वॉइस में पुलिस, पीपल, समबडी, नोबडी, अस, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ हो गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। जितनी क्लासेस हो गई उनको अच्छे से देख कर चलें। अगली क्लास में आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। अब उस टेस्ट में आपका पता लगेगा कि आपने कितने अच्छे से सीखे हैं, कैसी आपकी तैयारी है। जिसने 20 में से 20 कर दिए या 15 प्लस सही कर दिए उसकी तैयारी बेस्ट होगी, अच्छी होगी। तो अगली क्लास में आपका टेस्ट होगा एक्टिव पैसिव वॉइस का और उसमें आपकी तैयारी का भी बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। थैंक यू।